बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी अकाउंटिंग में इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है, और पार्टनरशिप में इस वक्त हमारे पास फॉर्मेशन के टॉपिक को हम इस वक्त सवालात को हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मेशन के सवालात में हमने अब तक अनसॉल्व पेपर के जो है सवालात भी सॉल्व करे हैं, और अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट के सवालात को भी हमने सॉल्व किया है। फॉर्मेशन के जो सवालात आपने अब तक देखे होंगे मुख्तलिफ अंदाज से पूछे गए हैं, और अभी भी हमने जिस सवाल का इंतखाब किया है वो है 2009 का सवाल। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। वो कहता है, मुमताज़ इसहाक एंड खुर्शीद एग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द रेश 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। इसहाक इन्वेस्टेड ₹75,000 एज इज शेयर्स ऑफ हिज कैपिटल। देखिए, सवाल के अंदर वो आपको बहुत ही मुख्तसर बात बता रहा है, उसको समझ लेते हैं कि वो हमसे पूछ क्या आ रहा है। वो कहते हैं तीन पार्टनर हैं, उन्होंने एग्री किया है पार्टनरशिप के बिजनेस को कंटिन्यू करने का, और उनका जो कैपिटल है वो कैश की सूरत में है, ठीक है। उनका रेशियो भी दे दिया 3:2:1। कहता है कि इसहाक जो इन तीन बंदों में से एक पार्टनर है, इसहाक, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 75,000 है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता रहा कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और कंपनी का कितना कैपिटल है। वो सिर्फ एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को यहां पर जिक्र कर रहा है आपसे। रिक्वायरमेंट में कहता है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर टू रिकॉर्ड इन जनरल जर्नल। सबसे पहले हमें इसहाक की तो इन्वेस्टमेंट के जरिए जो मौजूद है वो तो अपनी जगह है, उस इन्वेस्टमेंट के जरिए पहले टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म हमें मालूम करनी होगी। इन कंपनी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है पहले हम वो मालूम करेंगे, और उसकी बेस पर हम बाकी के पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ज़रा एक नज़र देख लेते हैं हम कि हम उसको जो है किस तरीक़ेकार से करें। सबसे पहले हम हेडिंग लगा देंगे यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल यहां पर आ गया। अब उस कंप्यूटेशन के बाद हमारे पास जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गिवन है वो है इसहाक की इन्वेस्टमेंट ऑफ इसहाक, ठीक है। उसकी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 75,000 की, ठीक है, शेयर ऑफ इसहाक। इसहाक का शेयर कितना है कंपनी में, 2/6। ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप सम ऑफ रेशियो निकालें, सम ऑफ रेशियो कितना निकलेगा, 3:2:1 का 3:5 और 1:6, इसलिए डिवाइड बाय 6 कर दिया इसको, ठीक है। तो ये तो दो बातें आ गई। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या निकल के आ जाएगा। एक बात बेटा याद रखिएगा, अब तक आप करते ये आ रहे थे कि आपको कोई भी एक इन्वेस्टमेंट गिवन हुआ करती थी, और उस इन्वेस्टमेंट से रेशियो निकालना होता था आपको, तो आप क्या करते थे, जो भी इंडिविजुअल रेशियो गिवन होता था उसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल रेशियो कर दिया करते थे, तो इन्वेस्टमेंट निकल आती थी। मगर यहाँ पर केस ज़रा सा मुख्तलिफ है। यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट दे दी एक पार्टनर की, और कंपनी का टोटल कैपिटल निकालना है। जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो हम क्या करते हैं, जिस पार्टनर की रेशियो गिवन है, जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है, तो उस रेशियो को उलट कर देंगे हम। उसकी इन्वेस्टमेंट है 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2,
ठीक है। तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन से निकल कर आएगी वैल्यू, वो निकल कर आ जाएगी जो टोटल कंपनी का कैपिटल है वो आ जाएगा 2,25,000, ठीक है। अब इस 2,25,000 के रेशियो की बेस पर हम क्या कर लेंगे, जो इंडिविजुअल पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम मालूम कर लेते हैं। कैपिटल सबसे पहले कौन सा पार्टनर है, मुमताज। इसी तरह कैपिटल इसहाक, इसी तरह कैपिटल खुर्शीद। मुमताज के कैपिटल की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय मुमताज का कंट्रीब्यूशन है 3, तो 3/6। इसी तरह इसहाक 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 और खुर्शीद 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इस तरह इनकी इन्वेस्टमेंट को हम मालूम कर लेते हैं। एक लाख 12,500, 75,000 और 37,500। अब देखिए ये 75,000 हमने कैलकुलेशन इसके जरिए निकाली है और इसकी इन्वेस्टमेंट भी 75,000 ही हमारे पास आ रही है। तो इस तरह ये हमारे पास जो वर्किंग है कंप्यूटेशन के हवाले से वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है हमने, उसे हम कर लेते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र सवाल में ही किया हुआ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट कैश की सूरत में होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक एंट्री बना लेते हैं, कैश को डेबिट कर देते हैं कैपिटल मुमताज, कैपिटल इसहाक, कैपिटल खुर्शीद। कितने कितने कैपिटल निकले इनके, लिख लीजिए यहाँ पर, 1,12,500 इसहाक का है, 75,000 और खुर्शीद का है 37,500। जब इन सब का टोटल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,25,000। नरेशन ले लेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय दी पार्टनर्स। यहां पर आके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा जो है वो तफसील नहीं थी, मगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन हो और उस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की बेस पर टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मालूम की जाएगी, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर समझा है कि एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और उसका रेशियो, जो रेशियो होगा उसको कन्वर्स कर दिया जाएगा, अगर 2/6 है तो 6/2 कर दिया और उसको उसकी इन्वेस्टमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, ये टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी निकल के आ जाएगा। फिर इसकी बेस पर जो रेशियो आपको गिवन है उन रेशियो को आप कैलकुलेट, उन रेशियो के जरिए कैलकुलेट कर बाकी की इन्वेस्टमेंट भी आप पार्टनर्स की निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।